देखते रहिए UBN0@गुना से संतोष मीणा की रिपोर्ट। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को गुना विधानसभा क्षेत्र के पगारा और बैठाघाट गांव में जनसंपर्क किया और जनता से वोट मांगे। इस दौरान पगारा और बैठाघाट गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना में 5 करोड़ परिवारों को इस योजना के जरिए प्रति वर्ष 72,000 देने का वादा किया। इस योजना में 5 करोड़ परिवारों को 3,60,000 रुपये दिए जाएंगे। सभा में श्री सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर उनके सपने पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस योजना के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे, उसे पूरा करने का वचन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरा करेगी। देखते रहिए UBN0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक वोट भी ना छूटे भारत आर्य को, ये बात समझना। केवल आप मुझे वोट दे रहे हो, तो ये मत समझना कि केवल वोट दे रहे हो मुझे। ये आपका वोट केवल नहीं है, ये आपका वोट के लिए आपका बीजेपी को लेकर हाथ उठवाया हुआ है उन्होंने, और तमाम जो यहाँ पगारा यहाँ के निवासी है सबके बीच में उनका खास अंदाज है। 2014 में जो कमी रह गई थी, लोग भी देखते हैं और अपनी बात रखते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो ये खास अंदाज है सिंधिया जी का, और ये सिंधिया जी का ये अंदाज आपको लगातार सफर में देखने को मिलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ शरद द्विवेदी, पगारा गांव, गुना लोकसभा। भरपाई दोनों, अगर जिस पोलिंग में हम जबरदस्त जीते हैं उसका डबल जिम्मेदारी आपकी होगी। पगारा सहमत हो? सहमत। और 12 तारीख को वोट और 23 तारीख को जब पेटी खुलेगी तब मैं पगारा का पेटी देखूंगा। ठीक है, सहमत हो? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।